हाय गाइस, गुरु गेमिंग के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं गुरु आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में जो स्किल ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको तो बहुत सारे लोगों ने खेली नहीं है गेम, तो पता नहीं है स्किल क्या है, और अगर पता है तो ठीक तरीके से समझे नहीं होंगे बहुत सारे लोग, कुछ कुछ को समझ आ गई होगी। तो बेसिकली स्किल क्या है, तो मैं स्किल वो स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ खेलने की, ओके, टैलेंट वो नहीं। यहाँ पे एक स्किल करके एक ऑप्शन दिया हुआ है गेम के अंदर, तो वो क्या होता है, तो वो राइट साइड पे आता है ऊपर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके, और यहाँ पे आता है वो, और उसका वहाँ पे हमें क्लिक करना है, वो जो भी आपने स्किल सिलेक्ट की होगी वो यूज़ होगी। तो यहाँ पे स्किल कैसे सिलेक्ट करनी है, तो जब भी आप गेम में जाओगे तब जैसे ही आप एंटर होंगे, जब हम लोग शुरुआत में वेट करते हैं ना कुछ सेकंड, तो वहाँ पे आप लोगों को एक बॉक्स मिलेगा, ओके, और वहाँ से 6 स्किल होगी डिफरेंट डिफरेंट, वो 6 में से कोई एक स्किल सिलेक्ट करनी है। ध्यान रखना हर एक टीम में सिर्फ अगर मैंने कोई एक सिलेक्ट कर दी स्किल तो बाकी के दूसरे टीम में वो स्किल यूज़ नहीं कर सकेंगे, ओके। तो चारों के चारों टीममेट की डिफरेंट, चारों की चारों अलग अलग स्किल होगी, समझ गए पूरी चीज़, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ 6 की 6 स्किल के बारे में, उनका नाम क्या है और उसका यूज़ कैसे है वो। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक, तो मैकेनिक क्या है, तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, ओके, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आगे। तो ये क्या है, तो ये 1 टाइप ऑफ ड्रोन है, जो कि जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे स्किल को यूज़ कैसे करना है, तो राइट साइड मैंने आगे आपको फोटो बताई, वहाँ से यूज़ कर सकते हो। एक बार यूज़ किया तो उसके बाद ये स्किल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ सेकेंड लेगी, ओके। तो यहाँ पर मैकेनिक है, तो जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे, स्किल को एक्टिव करोगे, तो ये आपके ड्रोन निकलेगा बाहर, ड्रोन जाएगा सीधा एनिमीज के ऊपर और उसको ऊपर से इलेक्ट्रिफाइंग करंट देगा, मतलब कि कुछ देगा ऊपर से एकदम इलेक्ट्रिफाई देगा, और वो फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे कि आपने शुरुआत के स्टार्टिंग में ही जो छोटी सी क्लिप देखी ना, वो इस ड्रोन की ही है। उस ये ड्रोन सीधा पहले तो वो ना देखेगा कहाँ है एनिमी, उसके बाद वो एनिमी के ऊपर जाएगा। तो ये मैकेनिक है। उसके बाद आता है निंजा, ओके, तो ये निंजा मेरा फेवरेट है। तो निंजा क्या होता है, एक आपके हाथ में ना एक ग्रिपल हुक होता है, हुक जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करोगे, ओके, तो वो उस हुक के अंदर से एक बड़ी सी तार निकलेगी और ऊपर दीवार पे जाके अटक जाएगी और फिर आपको वो ऊपर खींच लेगी। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा इस चीज़ के बारे में, तो आपको पता होगा ये है, ओके, ये निंजा के बारे में बात हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं मेडिक के बारे में, तो मेडिक क्या है, तो यहाँ पे जैसे ही इस मेडिक स्किल को आप एक्टिवेट करोगे तो बड़ा सा एक सर्कल बन जाएगा और उस सर्कल के अंदर एक साथ चारों के चारों टीममेट्स, मतलब कि पूरी की पूरी टीम हील हो सकती है एक साथ, यस, एक साथ पूरी की पूरी टीम हील हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी है, जो अगर हील ना हो तो वो बंदा पूरी की पूरी टीम को हील कर दे सिर्फ एक ये स्किल को यूज़ करके। उसके बाद यहाँ पे आता है क्लोन, तो क्लोन क्या है, तो यहाँ पे आपको क्लोन में ना एक टॉय बॉम्ब मिलेगा, जैसे ही आप डालोगे टॉय बॉम्ब कुछ सेकंड के बाद वहाँ से ज़ोंबी बाहर निकलेंगे। ज़ोंबी बाहर निकलने के बाद होगा क्या कि भाई वो ज़ोंबी एनिमीज को मारेंगे, तो आपको वो टॉय बॉम्ब जहाँ पर डालो वहाँ पे एनिमीज होने चाहिए, एनिमीज के ऊपर ही डालना, तो एनिमीज ज़ोंबी में बिजी हो जाएंगे और आप लोग इस तरफ से पुश कर दोगे उनके ऊपर। ये एक ट्रिक है, स्ट्रेटजी है। उसके बाद होता है स्काउट, तो स्काउट क्या है, जैसे एक स्काउट को आप लोग एक्टिवेट करोगे तो ये आपके पास एक सेंसर डार्ट होगा, तो वो क्या करेगा, तो वहाँ पे आपको मिनी मैप में एनिमीज की लोकेशन दिखाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो कॉल ऑफ ड्यूटी में ना आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते यू हैक यूज़ किया, ओके, क्योंकि उसके पास ये चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पे गेम ही बता देती है कि भाई एनिमीज कहाँ है, तो आप लोग यहाँ पे ये कंप्लेंट नहीं आएगी इसमें कि भाई ये हैकर है साला, इसको पता है हमारी लोकेशन, तो वहाँ पे ये सेंसर डार्ट से लोकेशन पता कर लेगा आपकी, अगर आपके एनिमीज के पास ये सेंसर डार्ट है तो। और लास्ट वाला है डिफेंडर, तो डिफेंडर में क्या है, आप लोग जा रहे हो खुले में और आपको पड़ रही है सामने से, तो डिफेंडर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आगे एक बड़ा सा शील्ड आ जाएगा और उसके पीछे आप रहोगे और होगा क्या, आपको गोली नहीं लगेगी और आप बच जाओगे। तो यहाँ पे बेसिकली कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ही अलग है भाई, ओके, आप लोगों को मतलब कि जैसे कि मैं बोला है सेंसर डार्ट जो कि एक अलग ही लेवल की है, मतलब कि आप ऐसे ही गेम नहीं खेल सकते, किसी के पास सेंसर डार्ट है ना तो आपकी लोकेशन वो पता कर सकता है, वैसे इतनी दूर तक तो नहीं पता होती बट एटलीस्ट आपके आसपास होगा ना तो उसको परफेक्ट लोकेशन तो पता ही होगी, तो वो उस तरह की कैसे पुश करेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैकेनिक के बारे में, तो बेसिकली मैकेनिक मेरी फेवरेट है और मैं आपको चाहता हूँ कि भाई आप लोग वही यूज़ करो, ओके, मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो वो क्या, एक तो ना आपको हेल्प करती है एनिमीज को मारने के लिए, बाकी की जो चीज़ है ना वो
इतनी पावरफुल नहीं है, लाइक इसमें तो एनिमीज कुछ नहीं कर सकता। वो ड्रोन उसके ऊपर गया ना है ना, तो वो आपके ऊपर गोली भी नहीं चला सकता, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिफाइंग करंट आते हैं, इसीलिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पता तो है कि आपके आसपास एनिमी है, ओके, बट कन्फर्म जगह पता नहीं है, तो आपको ये ड्रोन छोड़ देना है मैकेनिक का। वो ड्रोन सीधा जाएगा उसके ऊपर, ओके, और आपको उस ड्रोन का पीछा करना है। अब पता कैसे चलेगा कि भाई ड्रोन को पता चल गया, तो जब तक उसको पता नहीं चला होगा ना, तब तक इस ड्रोन में ना ग्रीन लाइट होगी। जैसे ही उसको पता चलेगा ना, उस ड्रोन में रेड लाइट हो जाएगी। तो जैसे ही रेड लाइट हो ना, आपको उसके पीछे भागना है, और भागना है, और वो जहाँ पे रुके वहाँ पे जाना है, और वो वहीं रुकेगा जहाँ पे एनिमीज होगा। और जैसे ही वहाँ पे रुके, और आपको एनिमीज को पेलना शुरू कर देना है, और एनिमीज कुछ नहीं कर पाएगा। एनिमी जीत वहाँ एक ही एनिमी को कवर कर सकता है प्रॉबेबली, एक या मैक्सिमम दो, तो बस पेलना शुरू कर देना है। बहुत बेस्ट चीज़ है ये, बेस्ट मतलब कि मुफ्त की किल आपको ये दिलवा सकता है। बाकी की जो है वो शील्ड आपको देगी, आपके टीममेट को हील करेगी, ओके, आपको ऊपर दीवार पे ऊपर चढ़ाएगी, खींच के ले जाएगी, कुछ कुछ है जो एनिमीज की लोकेशन बताएगी, कुछ कुछ है जो बॉम्ब फेंकेगी। बट ये तो पूरी की पूरी आपको एनिमी के गोदी में लेके जाएगी, और आपको उसको मारना है, और एनिमी वाले कुछ नहीं कर सकते, मैं अभी बोल रहा हूँ। बट ध्यान रखना, वो ड्रोन कुछ सेकंड के बाद हट जाता है एनिमीज के ऊपर से, तो आपको लेट भी नहीं होना, उसके ड्रोन के साथ साथ ही भागना है आपको। तो ये थी गाइस पूरी आज की वीडियो, मैकेनिक माय फेवरेट स्किल इस गेम की। आप लोग भी यूज़ करना जब स्टेबल वर्जन आए, ग्लोबल लॉन्च होने वाली है 1 अक्टूबर को, तब आप खुद यूज़ करना, आपको भी मजा आएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे बताओ कि आपको कौन सी स्किल अच्छी लगी है, इतनी सारी स्किल है, 6 स्किल है, उसमें से आपको कौन सी चीज, कौन सी स्किल आपको अच्छी लगी, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, ओके। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस तरह मुझके तो खेलते रहिए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल।